इस बॉडी के द्वारा मेरी इज्जत कर। अब इसके द्वारा मैं इज्जत कैसे कर सकता हूं? मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया, वेरी यंग, जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं उस उम्र में मैं कॉलेज खत्म करके वापस आ गया था। सेकंड थर्ड शायद मैंने वो थर्ड फोर्थ क्लास की नहीं, जस्ट सेकंड क्लास के बाद सीधा फिफ्थ क्लास, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी जंप मारी मैंने। वो मेरी अखबारों में फोटोज आती थी मैरिट की, तो इतना मैं तेज था, पढ़ता गया तो पास होता गया। तो जब लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं कॉलेज से वापिस आ रहा था खत्म करके अपनी इंजीनियरिंग को। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया, वेरी यंग, जब लड़के लोग बिगड़े होते हैं उस उम्र में मैं परमेश्वर में आया। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 का था। इन 10 सालों में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई आंख मटका नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई जस्ट टेक्स्टिंग नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं, किसी भी आंख भी नहीं रखी कि हां इससे मैं कर सकता हूं 5 साल बाद शादी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं थी तो अकेले कमरे में कोई ऐसा भी काम नहीं था जो लोग अकेले में करते हैं, उस सेल्फ सेक्स को, उन चीजों को, ब्लू फिल्मों को, वो भी नहीं था। क्यों? अपने शरीर के द्वारा खुदा को ऑनर कर। वो कैसे होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं, वो आपको ऑनर करता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं, और जब आप उनकी लाइफ पे निगाह मारे अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदावंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ।